subscribe. Now click on the bell button for notification. Thank you guys. के बारे में तो सभी सुना होगा क्योंकि आज के डेट में स्मार्टफोन यूजर्स रूटिंग से जुड़े होते हैं. रूटिंग क्या है ये पता नहीं है, पर ट्राम को सुना होता है. कोई दोस्त बोला है भाई मेरा फोन रूटेड है, भाई रूटेड कर ले, ये होगा होगा, बहुत सारे गुण हैं. पर आप जानते नहीं है कि रूटेड में एडवांटेज फुल्ली क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. तो आज जानिए इस वीडियो में रूट के सभी तरीके कैसे करने होते हैं. मैं ट्यूटोरियल नहीं करूंगा, पर आपको क्लियरली सब बताऊंगा और रूट क्यों हम करें क्यों ना करें ये सब डिटेल्स में आपको बताऊंगा. तो आप देख रहे हैं टेक मैक, मैं हूं सौरभ. चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे देख रहे हैं रूट का मतलब है जड़. एक ट्री का जैसे रूट होता है, मतलब नीचे की तरफ जो जड़ होता है, ठीक है, उसमें पहुंच जाना नीचे की तरफ एकदम लो लेवल में, मतलब सब छेद करके फुल्ली लो लेवल में पहुंच जाना जड़ में उसका, मतलब आपको एक सुपर यूजर का परमिशन प्रोवाइड करता है. ये रूटिंग का मेनली शॉर्ट में बोले तो यही बोलते हैं, सुपर यूजर का परमिट करते हैं. अब रूट करते हैं तो आप एक सुपर यूजर बन जाते हैं. तो ऐसा करके आप रूट को काम में ले सकते हैं, ठीक है. तो अब जानते हैं इसका बेनिफिट्स. रूट्स तो हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस जैसे मानिए टैबलेट्स, हर कुछ एंड्रॉयड डिवाइस में हम रूटिंग कर सकते हैं. तो एडवांटेज जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शेयर करूंगा इसके डिसएडवांटेजेस. तो जैसे कि देखिए रूट का बहुत सारे फायदे होते हैं. जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि स्मार्टफोन यूजर, मतलब जब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होता है तब कंपनीज हार्डवेयर तो लगाती है, पर उसके अनुसार जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर देती है वो परमिट नहीं करती है बहुत सारे ऐसे फीचर्स को जो डिसेबल रहती है, पर वो हार्डवेयर सपोर्टेड है. बहुत सारे फोन मैंने देखा है कि बहुत सारे फीचर्स उसमें मौजूद है, हार्डवेयर सपोर्टेड है, पर सॉफ्टवेयर जो इनबिल्ड इंस्टॉल करा होता है OS, ठीक है, कर्नल वगैरह, उसमें वो नहीं रहता है, मतलब वो सपोर्टेड डिसेबल रहता है. तो इसके लिए आपको अब जब भी रूटेट कर लेते हैं आपका हाथ में को कंट्रोल चले आता है, मतलब वो सब फीचर्स आप ट्रूली अवेलेबल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स में. तो ऐसे करके आप वो सब फीचर्स को अपने फोन में जानिए कि आपके फोन में फीचर्स है पर पहले से डिसेबल है, क्योंकि इसमें जो प्रीलोडेड एंड्रॉयड वर्जन है उसमें एक सपोर्ट नहीं करती है. तो इसमें आपको रूट का आवश्यकता पड़ती है, तो आप रूट करने के बाद ही आपको सब फीचर्स अवेलेबल हो जाएगा. तो ऐसे करके रूट का हमारा बहुत ही बेनिफिट है. नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस और जो कर्नल वगैरह होता है ओवरक्लॉकिंग. कंपनी जो मैं बोला था कि मैन्युफैक्चर टाइम जो प्रोसेसर लगाती है उससे भी ज्यादा स्पीड अचीव कर सकते हैं, पर जो सॉफ्टवेयर मैंने बोला था OS इनबिल्ड होता है कि जैसे वहां पर कुछ फीचर्स डिसेबल होता है, यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस, रैम का परफॉर्मेंस माने प्रोसेसर का परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ती है आपका रूट के वजह से. अब रूट करते हैं तो इससे बढ़ जाती है, ठीक है. ऐसे करिए ओवरक्लॉकिंग जो है आपका फोन में, मानिए रूटेड फोन है तो ऑटोमेटिकली आप जो हाई लेवल का काम कर रहे हैं तो ये ओवरक्लॉकिंग हो सकता है, ठीक है. नहीं तो आप थर्ड पार्टी जो एप्स है उससे आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं. बहुत सारे APK आपको मिल जाएगा और प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा. और क्या कर सकते हैं रूट से बेनिफिट्स. रूट से आप कस्टम रोम जो सब फोन में, जैसे मानिए सैमसंग हो गया और आपको चाइनीज जो फोन आते हैं कुलबर्ट वगैरह, शाओमी के फोन्स, ठीक है,
ओप्पो का फोन्स, वीवो का फोन्स, इसमें जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है उसका ऊपर एक लेयर चढ़ा होता है जिसको यूआई बोलता है, यूजर इंटरफेस, जिससे फोन को कुछ कलरफुल ग्राफिकली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मल जो एंड्रॉयड जो स्टॉक एंड्रॉयड है उसको उतना अच्छा देखने को नहीं लगता है। इसलिए ये सब कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ यूजर इंटरफेस बनाती है खुद का, जैसे शाओमी का है मानिए एमआई यूआई, ठीक है, ओप्पो का है कलर वाइज, से मानिए बहुत सारे कूल यूआई, कूल पैट का है, ये सब कंपनी खुद का यूआई डेवलप करती है और उसमें इंस्टॉल करती है। तो ऐसे करके कस्टम जो रोम है वो आप यूज कर सकते हैं। कस्टम रोम में बहुत फीचर्स होती है जो नॉर्मली सब एमआई यूआई और जो कूल ओएस जो रहता है ये सब रोम में नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बेसिकली कस्टम रोम चढ़ाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये सब यूआई बहुत हेवी होता है, जैसे मानी एमआई यूआई बोलिए का, कूल पैट का बोलिए, ये सब ही हेवी होता है, इसलिए रैम का जो कंज्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। आपका फोन मानी 2 GB का होता है तो रैम ज्यादा खाता है, इसलिए कस्टम जो यूआई होता है उसपे ग्राफिकली इतना बढ़िया नहीं होता है, ठीक है। आप कर सकते हैं ग्राफिकली उसको, आप किसी भी तरह हैंडल कर सकते हैं, आप चाहिए तो नॉर्मल इंटरफेस रख सकते हैं, अब चढ़ी चाहिए तो एमआईयूआई से बढ़िया से एक भी इंटरफेस रख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है। आप खुद उसको चला सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, मतलब सभी पावर आपके हाथ में आ जाता है। आपका फोन का जो पहले का जो भाग था, मतलब पहले जो फोन ऑटोमेटिकली जो सब ये सब काम होता था, जैसे मानिए एक इंटरफेस जो कंपनी डाल रखी है वैसे ही काम करेगा, आप कुछ भी उसमें एडिशन कर नहीं सकते, मतलब जैसे वो हेवी यूआई है उसको लाइट नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ ग्राफिकली कमा के नहीं कर सकते, वैसे ही डिजाइन है, पर आप कस्टम रोम चढ़ा सकते हैं रूट रूट करके, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे बहुत ही फीचर्स भी उसमें मिल जाएगा, तो बढ़िया है इस मामले में। और जो गेमर्स गेम खेलते हैं आज के बच्चे, उसके लिए वो भी जानते हैं रूट, बहुत सारे ट्यूटोरियल मौजूद है यूट्यूब में कि रूट करके आप उसको जो मानिए कि एक कॉइन्स गेम्स जेम्स कलेक्ट कर सकते हैं, कोई कार का गेम है तो वो सब खुल जाते हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीज आप परचेस कर सकते हो गेम में, अब गेम को ना खेल के आपको बहुत सारे ऐसे परमिशन मिल जाते हैं आप रूटेड डिवाइस है तो। तो ऐसे करके इसका बहुत सारे डिसएडवांटेज है, एडवांटेज तो मैंने बता दिया, एडवांटेज आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, आप पर आप डिसएडवांटेज देख के फिर आपको एडवांटेज को ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा डिसएडवांटेज, बहुत सारी बड़ी कंपनीज जैसे हो गया एलजी, सैमसंग, सोनी का फोन्स, ये सब फोन परमिशन नहीं देती है, मतलब रूटेड हो गया तो आपको वारंटी वॉइड हो सकती है, मतलब वारंटी चले जा सकती है, आपका 1 ईयर वारंटी है फोन में, उसके अंदर आप रूटेड कर लिया है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, ठीक है। पर जैसे मानिए कुछ चाइनीज कंपनी जो रूटेड को एक्सेप्ट करती है, वो बोलती है हम परमिशन देते हैं रूटेड को, मतलब रूट फोन को, अब रूट करके प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ठीक है, तो कंपनी आपको फ्री में वारंटी सेट भी प्रोवाइड कर देगी। तो ऐसे करके शाओमी है, कुलपैड है, टीटीएफ वगैरह के फोन है, ओप्पो है, रिसेंट में ओप्पो का एक फोन ठीक भी कर लिया हूँ, वो रूटेड से अनरूट करने के लिए फोन क्रैक हो गया था ओएस, तो मैं ठीक करके ले आया हूँ, तो ओप्पो भी है इसमें। तो बहुत सारी चाइनीज कंपनी सपोर्ट करती है, तो जैसे कि और कुछ डिसएडवांटेज जान लेते हैं। रूटेड का कुछ स्टेप्स होती है वो ध्यान से फॉलो करना पड़ती है, कैसे कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, अब जब नॉर्मल यूजर कर रहे हैं तो ये सब ध्यान में नहीं रखते, बहुत जल्दी में कर देते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है जहाँ पे आपको ध्यान में रख के वेट करना पड़ता है, पर आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, रिस्टार्ट कर लो, फोन हैंग हो गया है, पर ऐसे नहीं है। तो
जिसको एक पता नहीं है कि कैसे करते हैं वो मत करिए, क्योंकि कोई गलत स्टेप आप उठाए तो ये वॉइस बूट लूप हो सकता है। बूट लूप का मतलब है वॉइस क्रैक हो सकती है जो आपका वॉइस है, तो इससे आपको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि हम एक नॉर्मल यूजर है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, पर आपको आप ठीक नहीं कर सकते क्योंकि आप एक नॉर्मल यूजर है, आपको पता नहीं है कि कैसे करें, तो इसलिए आपको कंपनी जाना पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ऐसे करके एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, वारंटी वॉलेट में बोल दिया हूँ। और आपको फोन में जो सिक्योरिटी पर्पस बहुत सारे चीज जो फोन कंट्रोल करती थी ऑन एंड्रॉयड, जो स्टॉक एंड्रॉयड थी नॉर्मली पहले जो अनरूटेड में था, ठीक है, मतलब जैसे मानिए वायरस प्रोटेक्शन, ये सब पहले से ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता था। जब भी कोई वायरस आ गया फोन में तो ये सब आपको खुद आप कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब स्मार्टफोन के ऊपर खुद खुद आपको परिचालन करना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो हो रहा था वो आप ध्यान में ना रखिए तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, पर अब जो केस हो गया है रूट करने के बाद सब कंट्रोल आपके हाथ में है, तो ये सब कंट्रोल भी आपको लेना पड़ेगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना पड़ेगा। तो बहुत सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर है आप गलती से तो डाल लेते हैं, तो ये सब आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। क्योंकि ये सब एंटीवायरस आपको ऑटोमेटिकली जो फोन में होता है और आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये सब डिटेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर वायरस है, वो आपको खुद वहां पर स्कैन करके पता चलेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली कोई रिकॉग्नाइज नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे केस में होता है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर काम नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, कैमरा की कुछ प्रॉब्लम है, रूट में ऐसे कुछ हो सकती है, प्रॉपरली रूट ना होने की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपका फोन में ओएस होता है, जैसे मैंने मार्शमेलो नूगट और अभी एंड्रॉयड वो जो आ गया है, तो ऐसे करके गूगल अपग्रेड करती है एंड्रॉयड, तो अपग्रेड में आपको ऑफिशियली अपग्रेड नहीं मिलता है क्योंकि आप फोन को खुद रिस्पॉन्सिबल करते हैं, खुद उसको प्रोवाइड करते हैं पावर, आपके हाथ में पावर है, ठीक है, कंपनी उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। ऐसे करके आप उसको मैनुअली अपडेट तो कर सकती है, पर वो पता नहीं चलेगा कब अपडेट आ रहा है। बहुत सारे ऐसे अपडेट है आपके फोन में लिए ही सिर्फ मौजूद है आज के लिए, कल दूसरे सेम मॉडल में नहीं आ रहे, ऐसे ही हो सकता है, ठीक है, मैंने देखा है। तो ये सब ऑटोमेटिक अपडेट जो है आपको नहीं मिल सकता है, इसके लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली बहुत टाइम उसका वेबसाइट जो है कंपनी का वो वहां पर नहीं रहता है, मतलब जो मतलब रिसेंटली एक थोड़ी बग क्लियर करने के लिए आपको दे रही थी, मतलब आपको कुछ बग आ गया है ओएस में, आप रिपोर्ट कर चुके हैं, आपके लिए वो नॉर्मल से ठीक है एक सेटअप मतलब बना के दिया हुआ है, वो आप अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि आप एक रूटेड डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो सब आपको खुद करना होगा क्योंकि पहले जो सिचुएशन था पूरे बदल गया है। तो माँ जान गए होंगे कि रूटेड क्या है, रूटेड में बेनिफिट्स बहुत है पर डिसएडवांटेज भी बहुत है, आपका वारंटी वॉइड हो सकते हैं बहुत सारे कंपनीज में, ठीक है, बूट लूप हो सकते हैं, कोई स्टेप जम करने से आप पेशेंस ना रखे बहुत टाइम को, मतलब 30 मिनट लग सकते हैं कुछ फोन में, 15 मिनट्स तो आप वेट नहीं कर रहे, पहले बार कर रहे, तो ऐसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम दिक्कत में फंस सकती है। बूट लूप होने से ओएस क्रैक हो सकती है, फोन डब्बा बन जाएगा, आप फोन को कब देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे करके प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और लास्ट एक बात करनी है कि जब आपके हाथ में सारी सिस्टम का जड़ आ सकती है, मतलब पावर आ जाती है, कस्टम रोम चढ़ा लिया आपने, बहुत सारे कस्टम रोम ऐसी होती है कि उसमें बग होती है, वो आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा क्योंकि आप उसका डेवलपर है अभी, ठीक है, क्योंकि सुपर यूजर बन चुके हैं, तो रूट करने के लिए आपको पहले धारणा रखना पड़ेगा कि कैसे होता है, ठीक है, आप कैसे उसको फोन को चलाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कस्टम रोम है जिसमें आपको बहुत सारी चीज फिक्स करनी पड़ता है कि टावर नहीं आती है, वोल्टेज सपोर्ट नहीं होती है, ये सब फिक्स करना पड़ता है, ठीक है, सब नॉर्मल यूजर इंटरफेस में नहीं होता है, नॉर्मल स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं होता है, रूटेड में ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। आप एक नॉर्मल यूजर है तो आप ये सब प्रॉब्लम मत उठाइए, आप एक जानते हैं कि रूटिंग क्या है, कर्नल के बारे में जानते हैं,
लिनक्स के बारे में, प्रोग्रामिंग करते हैं, सबके बारे में बहुत सारे ज्ञान है आपके अंदर, तो आप एक टेक्निकल आदमी है, तो ये सब करिए, ठीक है। सब आपके ऊपर डिपेंडेबल है, आप कैसे परेशान न करेंगे। रूट का मतलब है उसके जड़ में पहुंचना। अब एक सुपर यूजर पावर आपको हासिल होगा आपका फोन में। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपके फोन में रूटिंग काम करती है, रूटिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। अब जाके ट्यूटोरियल देख के रूट कर सकते हैं, पर ये वीडियो फर्स्ट देख लिए जी, तो अच्छा हुआ कि रूट क्या है, रूट कैसे कर सकते। तो गाइस आज चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद।